अब मैं आ चुका हूँ चूल्हा, जो कि जनकपुरी में है। इसकी लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और हमारे साथ आज है प्रभजोत। इसके बचपन की जगह है तो ये ज़्यादा अच्छे तरीके से बता पाएगा कि क्या क्या है इधर। तो आइए अब चलते हैं प्रभजोत के पास। वेलकम एवरीवन। सो टुडे वी आर एट अ रेस्टोरेंट विच इज़ लोकेटेड इन जनकपुरी। अगर आप वेस्ट दिल्ली में जनकपुरी के आसपास निकले हैं कुछ खाने पीने अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, तो वी विल बी टेकिंग यू टू अ प्लेस जहाँ आप जा सकते हैं। सो द मेन KPI ऑफ दिस प्लेस विच आई विल से इज़ कि अगर आप कहीं पे भी जाओ, आपको ट्रैफिक से आप बचना चाहते हैं, आप क्राउडी प्लेसेस से बचना चाहते हैं, एंड यू आर लुकिंग आउट फॉर अ डिसेंट प्लेस जहाँ पे यू कैन गेट सिटिंग, एम्पल ऑफ सिटिंग एंड एम्पल ऑफ स्पेस टू पार्क योर कार, सो वी विल हाईली रिकमेंड दिस प्लेस आउट। सो द नेम ऑफ द प्लेस इज़ चूल्हा, जैसा कि आप देख सकते हैं, एंड इट्स लोकेटेड इन जनकपुरी BB ब्लॉक। द रेस्टोरेंट इज़ रनिंग ओवर हेयर सिंस पास्ट 4 ईयर्स, एंड बहुत ही सॉर्टेड सा एरिया अगर आप देखें, आसपास सोसाइटीज़ है, देन स्कूल्स है, एंड ऑन द रोड इटसेल्फ ये प्लेस लोकेटेड है चूल्हा। सो अनदर स्पेशलिटी ऑफ दिस प्लेस इज़ कि आपको पार्किंग की बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं चलेगी। अगर आप तिलक नगर के किसी भी रेस्टोरेंट में जाओ, विकासपुरी के रेस्टोरेंट जाओ, द मेजर प्रॉब्लम इज़ विद द पार्किंग। यू हैव टू वेट फॉर अ लॉट ऑफ टाइम आउटसाइड, हॉर्न पे हॉर्न देने पड़ते हैं टू गेट सम स्पेस फॉर योर व्हीकल। पर यहाँ पे आप देखो, आप अपने टू व्हीलर पे आओ, गाड़ी पे आओ, एम्पल ऑफ स्पेस है, एंड दे हैव ऑल्सो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एल्कोहल। यू कैन सी कितनी अच्छी जेंट्री आपको यहाँ मिलेगी। सो यू कैन कम अलॉन्ग विद योर फैमिली, अलॉन्ग विद योर फ्रेंड्स, एंड बाहर जिस प्लेस पे अभी हम खड़े हैं यहाँ पे, अभी इस टाइम इट्स ऑल एम्प्टी, बट बाय इवनिंग अराउंड 6 PM 7 PM यू विल गेट टू सी ओवर हेयर सम टेबल्स, प्रॉपर सेटअप हो जाता है, तो आप बाहर भी खा सकते हो, आप अंदर जाके AC में डाइन इन भी कर सकते हो अपनी फैमिली के साथ, एंड इवन इन योर कार यू कैन जस्ट सिट ओवर हेयर एंड हैव समथिंग। और टेक अवे भी है, आप बाहर से कुछ ऑन योर व्हीकल आके कुछ अपना टेक अवे भी लेके जा सकते हो। हमारा पहला आइटम आ चुका है, बटर तंदूरी चाप। इसकी कॉस्ट है 260 रुपीस। अब इसको अमृता टेस्ट करके बताएगी कैसा है। यम्मी है, बहुत क्रीमी सा लग रहा है और स्पाइसी भी है हल्का-हल्का। इट्स गुड, टेस्ट गुड। टोटली अनएक्सपेक्टेड चीज होने वाली है, मतलब एक नॉन वेजिटेरियन को ये चाप खिलाने वाले हैं। सो लेट्स सी, आई होप इट्स प्रॉमिसिंग निकले। एकदम तंदूर की वो आपको फील होएगी टेस्ट में, और कोयले की स्मेल सी आ रही है स्मोक्स की, और बटर पूरा डरा हुआ है, स्पाइसी पूरे भरपूर डले हुए हैं। आई थिंक कुछ ज़्यादा स्पाइसी है। सो हाउ मच यू विल रेट इट आउट ऑफ 10? आई विल गिव इट 8। कुछ नंबर काटूंगा बिकॉज कुछ ज़्यादा स्पाइसी डाल दिया उन्होंने, बट या बटर एंड तंदूर से इट ऑलमोस्ट टेस्ट समथिंग सिमिलर टू जो नॉन वेजिटेरियंस हैं वो खाते हैं। सो नॉर्मली मैं चाप नहीं खाता, बट हाँ यहाँ पे आपको चाप इतनी टेस्टी लग रही है कि इवन अगर आप ट्राई नहीं करते, आप पसंद नहीं करते, पर आप खा जाओगे बिकॉज मसाले स्पाइसेस इतने डले हुए हैं उसमें कि यू विल ईट एंड यू विल लव इट। व्हाट अबाउट यू, हाउ मच यू विल रेट इट? आई विल रेट इट 8.5। ये अच्छा लगा टेक्सचर, जो क्रीम से इन्होंने बैलेंस किया स्पाइस को, बट मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और क्रीम और डालते, क्योंकि मुझे मलाई वाला ज़्यादा पसंद है, थोड़ा सा और डालते तो स्पाइस ज़्यादा बैलेंस हो जाता। अब मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ चिकन लसनी टिक्का। ये पहली बार ही है जब चिकन और लहसुन का कॉम्बिनेशन आई विल ईट इट, और बहुत टाइम से चिकन नहीं खाया है तो बहुत ज़्यादा आस है खाने की, और ऐसा माल पड़ा है सामने तो भाई मुँह में तो पानी आएगा ही। इसको थोड़ा पहले साइड में लेते हैं, काफ़ी क्रीम लग रही है, 2 पीस ले लिए हैं। वैसे मैं सारा खाऊंगा बट 2 पीस लिए अभी दिखाने के लिए। मैं भी खाऊंगी। सो नाउ अनबिलीवेबल टेस्ट, स्पाइस जैसे इन्होंने बोला उसमें है और इसमें भी स्पाइस है, बट मुझे इसमें ज़्यादा नहीं लगा, शायद बैलेंस आउट कर दिया इसमें, एंड जैसे ही मुंह के अंदर गया
कुछ बोलने का मन नहीं करेगा आपको, बस पहले खाओ आराम से, फिर मतलब आप देखोगे कि कैसा है ये। बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्रीमी, स्मोकी, थोड़ा सा स्पाइसी, सब कुछ बैलेंस आउट लग रहा है, सो इट इज़ गुड, 9 out of 10। हमने ऑर्डर कर दिया चिकन लसनी टिक्का, लहसुन का इतना टेस्ट नहीं आ रहा है, हम तो भूल गए थे कि मतलब हमने ये ऑर्डर करा था, जैसे ही हम खा रहे थे हम भूल चुके थे कि हमने ये ऑर्डर करा है, बट टेस्ट बहुत अच्छा है, इट इज़ सीरियसली मस्ट ट्राई, मस्ट ट्राई। क्रीम इतनी अच्छी डाल रखी है और जो पूरा फ्लेवर आ रहा है, स्पाइसेस आ रहे हैं, स्पाइसेस का जो टेस्ट आ रहा है बहुत अच्छा है। सो मेरी रिकमेंडेशन है कि बिल्कुल आए इधर और बिल्कुल ये वाली वाली चीज़ ट्राई करिए। ओए होए होए होए, आत्मा तृप्त हो गई भाई, आत्मा तृप्त हो गई। मतलब क्या मैरिनेशन है, क्या फ्लेवर्स है, प्रॉपर तंदूर में अच्छे से पकाया हुआ एकदम सॉफ्ट जूसी चिकन, मज़ा ही आ गया सही में। चाहे लहसुन है या नहीं है, पर ये होता है टिक्का, अगर मतलब टिक्का किसी को खिलाना हो जिसने ना ट्राई करा हो तो ये चीज़ खिलाओ, मतलब पप्पी दे देगा वो आपको, खुश हो। ये हमारा तीसरा आइटम है, नहीं ये क्रीम नहीं है, मतलब क्रीम है बट इसका नाम क्रीम नहीं है, इसका नाम है अफगानी चिकन तंदूरी मोमोस। आप ये देख रहे हैं लेकिन जो क्रीम डाल रखी है ओवरफ्लो हो गई है, बोलते बोलते नदिया बह रही है, नदिया। खाने का मन कर रहा होगा आपको भी। डिसेंट है, इतना कुछ खास नहीं लगा इसमें टू बी वेरी फ्रैंक, क्रीम ज़्यादा डाल रखी है लेकिन जितना टेम्पटिंग लग रहा है देखने में उतना टेम्पटिंग खाने में नहीं है। तो अभी तक हमारा फेवरेट आइटम चिकन लहसुन टिक्का हमारा फेवरेट आइटम है अभी तक, ये डिसेंट है, आई विल रेट इट एज 7 out of 10। दिस इज़ आवर लास्ट आइटम, ये है गार्लिक नान, ये है भट्टी चिकन। इसमें चिकन को पहले तंदूर में बनाया जाता है, फिर उसमें ग्रेवी डाली जाती है, तो साइड में प्लेट में ऑलरेडी ले चुके हैं हम। सबसे पहले थोड़ी ग्रेवी टेस्ट करेंगे, इसमें भी काफ़ी क्रीम है, मतलब उतनी क्रीम नहीं है लेकिन क्रीम है। दिस टेस्ट गुड, अच्छा टेस्ट आ रहा है। अब जल्दी से एक पीस उठा के टेस्ट करते हैं कि कैसा है। दिस इज़ गुड, तंदूरी फ्लेवर आ रहा है, एक तो चिकन का टेस्ट थोड़ा सा अलग सा जो फ्लेवर आ रहा है वो आ रहा है, स्पाइसी ज़्यादा नहीं है, मीडियम है, सो दिस इज़ अ गुड ऑप्शन, दिस इज़ द वन डिश यू कैन ट्राई, अच्छी डिश है ये। खाना हमने पूरा ख़त्म कर दिया अच्छे से, कुछ आइटम काफ़ी अच्छे थे, कुछ का आइटम काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे और कुछ आइटम डिसेंट थे, तो ओवरऑल इट विल बी लाइक 8 out of 10 विच इज़ गुड इनफ, यू मस्ट ट्राई हियर। क्वान्टिटी बहुत अच्छी है इनकी, क्वान्टिटी वाइज इट इज़ वेरी गुड। एम्बियंस बहुत अच्छा लगा इधर आके, सबसे अच्छी बात है कि ये लाइटें जो लगी हुई है, ये ब्रिक्स लगी हुई है, प्लस ये जो पुराने ज़माने की जो फोटो वगैरह लगा रखी है, जसपाल भट्टी के उधर फ्लॉप शो उसका लगा रखा है, तो वाइब्स आ रही है थोड़ी सर, पूरी मिक्स वाइब्स आ रही है, मॉडर्न वाइब्स भी आ रही है प्लस पुरानी वाइब्स भी आ रही है, तो दिस इज़ अ गुड प्लेस टू डाइन इन। हॉस्पिटैलिटी इज़ वेरी गुड, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है, स्टाफ का अच्छे से बात कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात होती है कि अगर अच्छे से खाना खिलाए लोगों को और बिहेवियर अच्छा हो स्टाफ का तो अच्छा भी लगता है उधर आगे खाने में, कोई एटीट्यूड नहीं है, सिंपल लोग हैं। इधर के जो ओनर है सरदार जी, उनसे मिला मैं, बिहेवियर तो खैर 10 out of 10। इधर पार्किंग का बहुत ही ज़्यादा स्पेस है, जैसे थोड़ी देर पहले दिखाया भी था कि स्कूटर पार्क, स्कूटर है आपके पास उसको भी पार्क कर सकते हैं, स्कूटी बाइक कार सबकी पार्किंग अवेलेबल है। अगर आप मेन रोड पे जो आउटलेट्स में जाते हो तो उधर बहुत दिक्कत होती है पार्किंग की, बट इधर कुछ नहीं है, आराम से आप आराम से गाड़ी लगाओ और टेंशन फ्री होके बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा आपकी गाड़ी को। तिलक नगर मेट्रो स्टेशन पास है, आराम से आप अगर मेट्रो से आ रहे हैं तब भी आ सकते हैं, अपना अपना कन्वीनियंस है तब भी आराम से पहुंच सकते हैं, और लोकेशन तो खैर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको आने में। आप ज़रूर आइए इधर, ट्राई करिए खाना। इस रेस्टोरेंट के ओनर परमजीत सिंह हमारे साथ हैं, उनसे थोड़ा इंटरेक्शन करते हैं और पूछते हैं राज इस अच्छे खाने का। नमस्ते परमजीत सिंह जी, तो ये आपकी चेन कब से है? हमारे को 4 साल हो गए हमने अपना जनकपुरी में खुले हुए, तो हमारा जो खाना है, जो भी हमारे मसाले हैं, सब कुछ अपना, हमारा अपना घर का मसाले पीसते हैं हम, कुछ भी चीज़ जैसे हमारा चिकन सीख कबाब है वो हमारे हैंडमेड होते हैं, हम बाहर से कोई चीज़ परचेज नहीं करते।
सारी चीज़ें हमारी फ्रेश बनती हैं। ये अपना हमारा जो कस्टमर है, कस्टमर जो हमारी पार्किंग है, कस्टमर जो आते हैं हमारे पास, सब मतलब एवरीथिंग इज ऑल मतलब प्रिपरेशन इज ओके, मतलब हर क्वालिटी, हर टेस्ट हमारा ओके है, हर क्वालिटी हमारी ओके है। बाकी आप कभी आएँ यहाँ पर जनकपुरी में, हमारे पूरी फूड टेस्ट करें, आपको अपने क्वालिटी का पता लगेगा। टेस्ट के साथ साथ बिहेवियर भी बहुत अच्छा है लोगों का इधर, जो भी स्टाफ है। आपका सबसे ज़्यादा फेमस आइटम कौन सा है इधर? सर हमारा जो मेन कोर्स में आता है भट्टी का मुर्ग है, वो हमारा बहुत ज़्यादा स्पेशल है, बहुत ज़्यादा हॉट आइटम है, वो हमारी हॉट सेलिंग है उसकी, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। स्टार्टर्स में? स्टार्टर्स में हमारा जैसे अगर कहीं स्पाइसी खाना चाहते हैं तो पेरी पेरी टिक्का है, हर्ब्स टिक्का है, बटर तंदूरी टिक्का है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी स्पेशलिस्ट है हमारे मेन्यू में, बहुत ज़्यादा वैरायटी है इस चीज़ के लिए, तो हमने अपना गिनती नहीं है किसी तो चीज़ की। बिल्कुल, हमने भी तीन चार आइटम ट्राई करे थे और काफ़ी अलग वैरायटी है सब में, अलग अलग टेस्ट है, तो अच्छा लगा हमें इधर आके खा के। अभी जब बीच में कोविड आया था तो आप काफ़ी ज़्यादा शॉप क्लोज हो गई थी, तो आपने सस्टेन करा है, तो सही चल रहा है आपका, इसमें आपका रिस्पॉन्स कैसा आया है? स्पॉन्सर देखो एक्चुअली क्या होता है, जो चीज़ होती है टेस्ट में होता है टेस्ट। कई लोग ठीक है, कोविड की वजह से बहुत परेशानी आई है लोगों को, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई हैं, मगर पता क्या है, हमने स्ट्रगल की है बहुत ज़्यादा। अच्छा, स्ट्रगल करिए। हाँ, स्ट्रगल सबने करिए और सस्टेन करा है, तो ये सबसे अच्छी बात है। तो अगर आप अगर जनकपुरी में आ रहे हैं तो यहाँ का फूड मस्ट ट्राई है, थम्स अप फ्रॉम मी। तो थैंक यू, धन्यवाद।